तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपका। होप आप सारे ठीक होंगे। जैसे कि मैंने सुबह ब्लॉग में बताया, ब्लॉग था वो, वैसे ऐसे ही बना दी थी वीडियो। हाय हाय, ये क्या आ गया, इंसेक्ट सा समथिंग, पता नहीं क्या ऐसा कुछ आ ही जाता है। जैसे गर्मियों के दिन है और बारिश आई थी, आप मेरे रिफ्लेक्ट हो रही होगी स्क्रीन, आप देख ही सकते हो। यार ये क्या है, येलो येलो सा नहीं होता, वो प्रिंट सी, प्रिंट कहते हैं इसमें पंजाब में। यार क्या, कौन सा इंसेक्ट होता है ये, नेपाल में क्या कहते हैं, येलो येलो, खास करके धूप में आता है, जब लट जाता है ऐसे, इतना बड़ा हो जाता है मुंह फेस। और जो देखते हैं आज, हमने कौन सा कहा था, V10 का सुपरस्टार, ओके, 2020 में ही आया ये सॉन्ग और रैप। चलो देखते हैं इस वीडियो को, फिर करेंगे बातें। तो गाइस 1 2 3 और कर देते हैं इस वीडियो को प्ले। दो जहाज, थाईलैंड का लग रहा था, थाई एयरवेज, टोक्यो, ओके, जापान चले गए, वहां पे शूटिंग होगी। सुपर ना मेरो बनने सुपरस्टार, ए ए ए ए या तदिनु मलाई कसले ग्रीनर स्वाप, ए ए ए ए या एक दुई दिनको प्रशंसा चाहिँदैन, मेरो पैतालामा हिँड्न सजिलो छैन, साथी मलाई मेरो आफ्नै बाउले, अघि जै जै पछाडि हाने छुरा सबले, म त साह्रै सोझो सबको कुरा मान्थे, सोझो पनको फाइदा उठाए मेरो सबले, तर अहिले मेरो पनि बाध्यता छ, घर परिवार मेरो अशान्तिमा छ, सबको आँसु पुस्न सक्दिन, कसैलाई खुसी पार्न सकिन, कति तानो धुवा अब मेरो फोक्सो कुहिसक्यो, कहिले काहीँ दुख्छ छाती मेरो मन मरिसक्यो, है मेरो पनि आफ्नै समस्या छ, खोलेर पुग्दिन भित्र भित्र पोल्दैछ मेरो मन, बोलाई खोज्दैछु, हात काटी मेरो भाग्य रेखा कोर्दैछु, खरानी पो हुने हो कि मेरो आस, तिनी बाँचिरहेको छु अझै नि छ मसँग वाट, है सपना मेरो बन्ने सुपरस्टार, नदिनु मलाई कसैले घृणा श्राप, सपना मेरो बन्ने सुपरस्टार, नदिनु मलाई कसैले घृणा श्राप। I know anything, man. I'm really sorry, guys. I'm sorry, guys. I'm sorry. Fuck. जसो आइपुगे लडेर आज यो ठाउँसम्म, सक्दिन सबैजनालाई खुसी बनाउन, इच्छा चाहना पुरा गर्न गाह्रो भयो, ए आमा चित्त नदुखाउनु न, राम्रो नराम्रो के हो चाहदिन विचार गर्न, आनन्दले राखान मन छ अझै दुई चार वर्ष, म यता बाँचिरहेको छु आफ्नै दुःख पीडा सँग, आजकल त सबै आफ्नै साथी भाइले घृणा गर्छ, दुखिरहेको छ मेरो मन, हुन त मेरो पनि गल्ती छ, गाह्रो भयो मलाई झन्, मुटुमा यादहरु बल्झिदा भन्न मिल्छ यहाँ जे पनि, थाहा छैन अरू त के भन्ने, सक्दिनँ यसरी हिँड्न नि, मान्छे परे म त बेइज्जती, यो जिन्दगी आज चलाइरहेको छु यसरी, हिँसेर भए पनि अगाडि बढिरहेको छु, बोकेर बाँचिरहेको छु, म आँखा परिहाल्छु, म राम्रो दिनहरूलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छु, सरी भन्छु, म हात जोडी माफी माग्छु, सपना मेरो पनि सुपरस्टार, दिनु मलाई कसैले किनार स्वाबे, सपना मेरो पनि सुपरस्टार, दिनु मलाई कसैले किनार स्वाबे, तू तो तुम सुपरस्टार है, ऐ ऐ ऐ ऐ। यार ये था म्यूजिक था, जो जब होता ना फील, ये ले कर दिया, करके दिखा दिया लाइव में मैंने, कुछ ऐसे मैं बनाऊंगा ऐसे ही सॉन्ग,
जब हमारे हो गए 1 मिलियन सब्सक्राइबर। वैसे टाइम लगेगा पर बनाएंगे जरूर, नेवर गिव अप गाइस। हम सारा कुछ करेंगे, नेपाल भी आएंगे, जब नेपाल आऊँगा गाड़ी में ऐसे जा रहा हूँ फिर ये गाना लगाएंगे हम सुबह सारे यार नेपाल के सॉन्ग जितने भी होते हैं ऐसे नहीं कि हमेशा एक ही लेवल का सॉन्ग होगा, जैसे बॉलीवुड में होता है ना। अगर हम जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग हिंदी सॉन्ग होते हैं जो वो हमें पता है, जैसे तेनू काला चश्मा जचदा ए चिकनी चमेली आई, मतलब पता है ये ऐसी होगा, हमें पता होता है। जो नेपाल का सॉन्ग है, पता नहीं मैं इंडिया से हूँ इसलिए मुझे लगता है जब नेपाल का सॉन्ग आता है ऐसे लग रहा है हाँ ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, एकदम से चेंज हो जाता है। देखने में मज़ा नहीं आता कि मज़ा आ गया यार। ऐसे सॉन्ग देखो और सुन भी सकते हैं। बॉलीवुड के सॉन्ग हैं कि हम सुन तो सकते हैं पर देखना पड़ता है उसको, तब अच्छा लगता है सॉन्ग जब हम वीडियो सॉन्ग देख लें। पर ये सॉन्ग ऐसे हैं कि हम वीडियो चाहे ना भी देखें पर ऑडियो के साथ भी हम एंजॉय कर सकते हैं। यही नेपाल की है खूबसूरती सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगती है। अगर मैं वीडियो ना भी देखूँ ऐसे बैठा रहूँ तो भी यार ओसम टेक्निक है ये, ओसम टेक्निक नहीं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है ये भी कि ऑडियो के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं नेपाल के सॉन्ग, ओनली नेपाल के सॉन्ग, ठीक है। और मैं आपको कहूँगा कि मैंने ओरिजिनल वीडियो का लिंक हांची डिस्क्रिप्शन के अंदर पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ जाएं और करें आप वो क्या कहते हैं उसको सपोर्ट करें ओरिजिनल वीडियो को। और पता नहीं यार कॉपीराइट इतने आ जाते हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। कभी कभी मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो ब्लॉक हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, ये इस कारण मेरी कई बार वीडियो नहीं आती। पता नहीं ये अब जाएगी भी कि नहीं, नहीं तो आगे ब्लॉग में बताना पड़ेगा। और आप बताएं कि ब्लॉग मैं बनाया करूँ या ना बनाया करूँ, या जब बाहर जाएंगे तभी बनाया करूँ, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और होप आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अभिज्ञान शर्मा और मैं इंडिया पंजाब से हूँ। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने चप्पल उतार के सब्सक्राइब में मारें और शूज़ उतार के बेल आइकन में। ओके, नाउ मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर माय वीडियो।